बॉलीवुड के इतिहास में जब भी किसी एक्टर डांसर का जिक्र आता है तो उनमें सबसे ऊपर जो नाम होता है वो है मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जो न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि सिंगर, डांसर, सोशल वर्कर और राइटर भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपने डांस स्टाइल से डिस्को डांसर के नाम से मशहूर हुए तो बॉलीवुड उन्हें दादा या मिथुन दा के नाम से पुकारता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्मटेनमेंट। मिथुन दा 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं तो आज हम उन 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मिथुन दा को सुपरस्टार बनाया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिल्म सुरक्षा। ये फिल्म 22 जून 1979 को रिलीज़ हुई थी जिसमें मिथुन के साथ रंजीता अहम भूमिका में थे। इस फिल्म के साथ ही मिथुन के करियर ने रफ्तार पकड़ी थी। यह छोटे बजट की जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जो ज़बरदस्त कामयाब रही थी। फिल्म में मिथुन ने एक CBI ऑफिसर की भूमिका निभाई थी जो आतंकवाद का सफाया करता है। इस फिल्म के जरिए मिथुन ने खुद को बॉलीवुड में स्थापित किया था और दर्शकों को एक आने वाले सुपरस्टार की झलक नज़र आ गई थी। हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है फिल्म डिस्को डांसर का। 17 दिसंबर 1982 को रिलीज़ हुई फिल्म डिस्को डांसर एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें एक स्ट्रीट डांसर के स्ट्रगल को दिखाया गया था कि किस तरह गली नुक्कड़ में नाचने वाला एक सुपरस्टार डांसर बनता है। फिल्म को लिखा था राही मासूम रजा ने और बब्बर सुभाष ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अनिल की भूमिका निभाई थी जो जिमी नाम से डांसिंग स्टार बनता है। फिल्म में मिथुन के अलावा किम, ओम पुरी, ओम शिवपुरी और राजेश खन्ना ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में 8 कालजयी गाने रखे गए थे जिनके बोल थे याद आ रहा है, आई एम अ डिस्को डांसर, कृष्णा धरती पे आजा, गोरों की ना कालों की, अव्वा अव्वा, जिमी जिमी, ए ओ जरा मुड़के और गोरों की ना कालों की का स्लो वर्जन। इन गानों को लिखा था अनजान और फारूक कैसर ने और इन गानों की कालजयी धुन बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। ये फिल्म भारत की पहली फिल्म थी जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म ने यूरोप और रशिया में ज़बरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म से मिथुन रातों रात डांसिंग सुपरस्टार बन गए थे और ये फिल्म मिथुन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है प्यार झुकता नहीं। 11 जनवरी 1985 को रिलीज़ हुई थी फिल्म प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी, डैनी असरानी और बिंदु अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में मिथुन ने एक मिडिल क्लास प्रेस फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी जो एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठता है लेकिन लड़की के अमीर बाप को ये मंजूर नहीं होता है। इसी प्लॉट के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। हालांकि इस तरह की कहानी पर आधारित फिल्में पहले भी बॉलीवुड में बन चुकी थी लेकिन मिथुन की दमदार एक्टिंग और बेहतरीन संगीत के कारण यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिनके बोल थे चाहे लाख तूफान आए, हो दिलबर दिलबर जानिए, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले, इसके अलावा तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गाना 3 बार इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के गाने लिखे थे SH बिहारी ने और कालजयी संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म के निर्माता KC बोकारिया और निर्देशक विजय सदाना थे। फिल्म ने 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने मिथुन के सुपरस्टार रुतबे को और भी ऊंचा कर दिया था। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है फिल्म मुद्दत। 20 जून 1986 को रिलीज़ हुई फिल्म मुद्दत एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में मिथुन ने एक डांसर और सिंगर की भूमिका निभाई थी। फिल्म का एक गाना प्यार हमारा अमर रहेगा बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आज भी सुना जाता है। फिल्म को डायरेक्ट किया था K. वाजपेयी ने। फिल्म में मिथुन का रोल दर्शकों को बेहद पसंद आया था जिसकी बदौलत मिथुन के करियर में 4 चांद लग गए थे। हमारी इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है फिल्म दलाल। ये फिल्म 29 अक्टूबर 1993 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में मिथुन के साथ आयशा जुल्का और राज बब्बर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के अंदर मिथुन ने एक अनपढ़ और भोले भाले युवक भोला की भूमिका निभाई थी जो अनजाने में ही अपने बॉस के लिए गलत कामों में साथ देने लगता है जिसे बाद में खुद के फंस जाने का एहसास होता है।
फिल्म में मिथुन के भोले भाले रूप को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे जिनके बोल थे, चढ़ गया ऊपर रे, चोरी चोरी मैंने भी तो, ना 19 से कम हो ना 21 से ज़्यादा, हम मर गए फोकट में, मेरे राम जी मेरे भगवान जी, और इसके अलावा ठहरे हुए पानी में गाने के 2 वर्जन शामिल थे। फिल्म में कालजयी संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने। इस फिल्म से मिथुन के सुपरस्टार होने का कद और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।